ठीक है, लास्ट क्लास में रिवॉल्यूशन अकाउंट रिवाइज किया था हमने, ठीक है। अब इस वाले रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर हमने सिर्फ अभी तक यही सीखा है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है और जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है, ठीक है। इसका एक ट्रीटमेंट और होता है जहाँ पर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना ही नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हो वो भी आज सीख लेना आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लास जो रहेगी वो पूरी की पूरी रिवॉल्यूशन अकाउंट के ऊपर रहेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ने वाले आज की क्लास में, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले मैं सीखना कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, वो तो आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था। और दूसरा व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो दो तरीके की चीज़ें होती हैं जब आप रिवैल्यू करते हो एसेट और लाइबिलिटीज़ को, क्या? एक तो जहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है और एक जहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है ये आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और क्यों बनता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, क्या किसी को इसके बारे में पता है कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता तो हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिवैल्यू करते हैं? हाँ, मेमोरेंडम के थ्रू है, कैसे करते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम की कोई चीज़ सुनी है? हाँ सुनी है ना, ठीक है। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। क्या आप क्या प्रिपेयर करते हो? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एग्जैक्ट ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चन मेमोरेंडम अकाउंट बुलाने के लिए नहीं बोलता तब हम करेंगे एडजस्टमेंट, तब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, सॉरी गुडविल एडजस्टमेंट करते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के भी एडजस्टमेंट। अब आप गुडविल एडजस्टमेंट करते हो तो उस गुडविल एडजस्टमेंट में क्या होता है? अगर गुडविल एडजस्टमेंट करते हो तो गुडविल एडजस्टमेंट करने के कितने मेथड्स होते हैं? दो। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू, और दूसरा कौन सा? रेज और राइट ऑफ करके, ठीक है। पहला मेथड जो है वो कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जब आप गुडविल को रीवैल्यू करते हो, यानी गुडविल को एडजस्ट करते हो, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में गेनिंग पार्टनर पे करता है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो भी होता है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई होता है जब आप एडजस्टमेंट्स करते हो रिवैल्यूएशन की, ठीक है। आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ा होगा, चेंज इन पीएसआर के अंदर मोस्टली यही केस होता है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो उससे होने वाला लॉस और प्रॉफिट आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट अगर आपको नहीं पता लगेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को उसका शेयर नहीं मिलेगा, साइड सी बात है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करो तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करना है? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले आप फेयर में बनाते थे ना, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कहाँ बनेगा? वर्किंग नोट्स के अंदर। बस वो अकाउंट की शेप में नहीं बनने की जगह स्टेटमेंट की शेप में बन जाएगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट बनाओगे जहाँ पर आप चेक करोगे कि आपको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और जो नेट प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा ना, उसको आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे किस रेशियो में? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, ठीक है। तो जो भी नेट इफेक्ट निकल के आएगा उसमें एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। ये रहेगा जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज तो आप प्रिपेयर करते हो। ये तभी होगा जब क्वेश्चन खुद बोलेगा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, या फिर आपके जो रिवैल्यू फिगर हैं एसेट और लाइबिलिटीज को, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। ये दो तीन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला टॉपिक भी करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अकाउंट्स की कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हो? इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये वाली साइड आपकी डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है, ठीक है। रट्टा मार के मत याद करना, पहले बता दे रहा हूँ आपको, हर पॉइंट हर एडजस्टमेंट में सोचना पड़ेगा कि क्या इस रिवैल्यूएशन की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे। रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एसेट डिक्रीज, तो एसेट के डिक्रीज होने से आपको क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे, ठीक है।
अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तब आपके लिए लॉस है। किसी को आपको 5,000 रुपये देने थे और आपके कितने देने हैं, 10,000 देने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, एक लॉस है। और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे, ठीक है। बाय इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट्स, और वो भी क्या होगा, क्रेडिट साइड पे। अब दो एक चीज़ें और बची हैं, एक है आपका बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। आपको कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गए जो आपने बैलेंस शीट में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक प्रॉफिट का काम करेगी, और वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है, तो आपके लिए क्या है, लॉस है। फिर हमने डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी काम होता है, या तो फॉर्म खुद करेगी या किसी बाहर वाले बंदे को हायर करती है, ठीक है। जब आप किसी बाहर वाले बंदे को हायर करते हो तो उसको क्या पे करोगे, रेम्यूनरेशन पे करोगे, या फिर सैलरी तो पे नहीं करते, सैलरी पर्सनल वर्कर को पे करते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, उसको क्या पे करोगे, एक रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन जो फॉर्म पे कर रही है, तो फॉर्म के लिए वो क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, और वो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो टू टू बैंक कर दो इसको सीधा सीधा, और ब्रैकेट में लिख सकते हो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब जरूरी नहीं कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हर क्वेश्चन में हो ही, और ढूंढने मत बैठना कि हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन एक्सपेंस कहाँ है मेरा, ठीक है। कभी फॉर्म खुद से भी काम कर लेती है, जैसे तुम नहीं करते हो, ओके। तो टोटलिंग करोगे, तो टोटलिंग करोगे तो बैलेंसिंग फिगर या फिर तो डेबिट साइड आएगी या फिर क्रेडिट साइड आएगी। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, तो उसे आप क्या बोलोगे, टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में ट्रांसफर होगा बताओ, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो भी कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर यहां पर आता है तो बाय लॉस, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड पीएसआर में, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब कुछ नोट्स देख लो। पहली बात, जब आप प्रोविजन बनाओगे, यस सर, जब आप प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन ऑन डेटर्स, ठीक है, जब आप प्रोविजन ऑन डेटर्स बनाओगे, क्या ऐसे क्या देख रहा है, पहली बार सुनाई क्या, ऐसे देख रहा है गौर से, ठीक है। तो जब आप प्रोविजन ऑन डेटर्स बनाओगे, तो पहले तो मुझे बताओ कि प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन क्या होती है, अब एस्टिमेट वैल्यू कैसे की दसी, मुझे बताओ होता क्या है, एसेट होती है, लाइबिलिटीज होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, कौन सी वाली, नोन या अननोन, अननोन, कौन सी लाइबिलिटी होती है, अननोन लाइबिलिटी होती है, ठीक है, जिसका कोई भी एस्टिमेट नहीं होता, हम लोग एस्टिमेट तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, जब आप प्रोविजन बनाते हो किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, तो मुझे बताओ प्रोविजन जो है वो किस वैल्यू पे बनता है, ग्रॉस वैल्यू पे या फिर नेट वैल्यू पे, जितने ग्रॉस बोल रहे हो ना, मैं पूछूंगा फिर क्वेश्चन, ग्रॉस ध्यान रख लेना, ये ग्रॉस बोल के चुप बता दो ना, पहले बता दे रहा हूँ कि प्रोविजन और डेटर्स किस पे बनेगा, ग्रॉस वैल्यू पे या नेट वैल्यू पे, देखा शांति हो गई, प्रोविजन और डेटर्स ग्रॉस पे बनेगा नेट पे बनेगा, नेट पे नहीं बनता कभी, ग्रॉस पे ही बनता है, किससे बनता है, ग्रॉस से बनता है, ठीक है। कि जब भी प्रोविजन और डेटर बनेगा तो किस वैल्यू पे बनेगा, हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे बनता है, नेट पे नहीं बनता। अब जितने ग्रॉस बोला था, मतलब बताओ ग्रॉस वैल्यू होती क्या है, ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू किसको बोलते हैं, डेटर की, डेटर की कौन सी वैल्यू को ग्रॉस वैल्यू बोला जाता है, सही है, ये बैलेंस शीट होती है आपकी, यहाँ आपके आपका डेटर्स दिखते हैं,
लेट्स से 1000 के डेटर्स है और इसमें से क्या माइनस होता है, प्रोविजन माइनस होता है, लेट्स से 100 रुपीज़ का प्रोविजन है तो बाकी कितनी वैल्यू बच गई, 900। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो डेटर्स की वजह से प्रोविजन माइनस कर दिया तो इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू, और इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू। ठीक है, जो डेटर की वैल्यू होती है उस वैल्यू में से अगर आप प्रोविजन को माइनस कर देते हो तो वो वैल्यू जो बचती है उसे क्या बोलते हो, नेट, और अपर वाली वैल्यू ग्रॉस। नेशनल इनकम पढ़ी तुमको, ग्रॉस और नेट ही नहीं पता है, बताओ। ग्रॉस नेट पता है ना, डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद ग्रॉस बनता है, माइनस करने के बाद नेट बनता है, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती है मेरे को। ठीक है, तो याद रखना कि प्रोविजन डेटर हमेशा किस पे बनेगा, ग्रॉस वैल्यू पे। और ये कौन से प्रोविजन की बात हो रही है, ये न्यू प्रोविजन की बात हो रही है। ठीक है, कौन से प्रोविजन की बात हो रही है, न्यू प्रोविजन की बात हो रही है। और एक बात, जब भी आप प्रोविजन बनाओगे तो एक बात का और ध्यान रखोगे कि फर्स्ट बैड डेट्स, कि पहले आप क्या माइनस करोगे, अब डेटर में से बैड डेट्स माइनस कर दोगे जो बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कि जो प्रोविजनल डेटर्स बनता है वो हमेशा किस पे बनता है, गुड डेटर्स पे। ठीक है, जो डेटर्स में से आपने बैड डेट्स ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। ये इकलौता पॉइंट है जो हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन में गलती करोगे, हर रिवेल्यूशन के क्वेश्चन में ये पॉइंट होता है एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, और बहुत बार इसकी गलतियाँ होती है, उसको ध्यान से समझ लेना कि प्रोविजन डेटर पहले किस पे बनेगा, ग्रॉस पे। पहली बात तो यही ध्यान रखना, किस पे बनेगा, ग्रॉस पे बनेगा। पर ग्रॉस का मतलब ये नहीं कि गिरफ्त ही बना दोगे, अगर कोई बैड डेट हुआ है तो पहले क्या करोगे, इस ग्रॉस वाले में से क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स माइनस करोगे, उसके बाद नया वाला प्रोविजन बनाओगे। बस में आ रही बात, आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले अगर आपको कोई बैड डेट्स गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर, तो पहले आप एडजस्टमेंट इसमें से नहीं, ग्रॉस में से क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स माइनस करोगे, और उसके बाद नया वाला प्रोविजन रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से वहाँ पर 1000 था डेटर और नेट कितना है, 900। आपका बैड डेट जो हो गया वो हो गया 200 रुपीज़ का। ठीक है, बैड डेट कितने का हो गया, 200 रुपीज़ का। अब डेटर की वैल्यू देखो कितनी है, 1000। इसमें से आप पहले क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स कितने के, 200 के कितने बचे, 800। ठीक है, अब इस पे जो नया प्रोविजन बनाना है वो बनाना है आपको 30%, लेट्स से 40% बनाना है। कितना बनाना है, 40%, बताओ 800 का 40% कितना होगा, 320। इसका न्यू प्रोविजन की वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 320। तो न्यू प्रोविजन की वैल्यू कितनी आ गई, 320। अब मुझे बताओ आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए से इंक्रीज हुई, आपके गलत है, आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए से इंक्रीज हुई, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए से इंक्रीज हुई, ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, अलग नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपकी लाइबिलिटी कितने रुपए से इंक्रीज हुई, हाँ सब सेम है, सब सेम है, 220 से। लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई है, 220 से। तो आप रिवॉल्यूशन में कितनी से इंक्रीज करोगे लाइबिलिटीज को, 220 से। क्यों, आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन था कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का। मतलब 100 रुपीज़ के अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए तो आप पहले से रेडी हो, है ना, एस्टिमेट रखा हुआ है ना आपने। किस लिए बनाते हैं प्रोविजन, अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए। तो आपके पास 100 रुपीज़ तो ऑलरेडी जेब में है कि अगर 100 रुपीज़ का खर्चा आता है तो 100 रुपीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सेविंग्स हैं। लेकिन अब नया प्रोविजन क्या बोलता है कि आपके पास कितनी सेविंग होनी चाहिए, 320 रुपए की। तो आपके पास ऑलरेडी कितनी है, 100 रुपीज़ की ऑलरेडी है, तो आपको और कितनी सेविंग करनी है, 220 रुपए की। यानी 220 रुपए का प्रोविजन आपको ऑलरेडी और क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए क्या बन चुकी है, अब लाइबिलिटी बन चुकी है। समझ में आया प्रोटोकॉल, कि आप ऐसे करना है, आपको जब भी आप लाइबिलिटीज चेक करोगे तो डिफरेंस लेके चेक करना ओल्ड वाला और न्यू वाले से। ठीक है, चलो नोट करना नहीं है, मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब तो आपको मिल ही जाएगा। जय जिंदाबाद। सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, एक है आपका अंडर वैल्यूड और एक है ओवर वैल्यूड। ठीक है, क्या मतलब होता है दोनों वर्ड्स का,
ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, और अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? कम रिकॉर्ड कर दिए। इस बात पर स्टिक रहना कि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि ऑलरेडी वो वैल्यू क्या है, कम है, उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है। और ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वो वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, आपको उसको डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर लिखता है कि मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10% और मशीनरी की वैल्यू जो है वो है 90,000, बताओ मुझे कितने से इंक्रीज होगी मशीनरी? यू गाइस हैव 30 seconds लेफ्ट, यू गाइस हैव 30 seconds लेफ्ट। 9,000 से कितने हैं जो 9,000 बोल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू 9,000? अरे कितने हैं जो 10,000 बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 9 ना, तभी रुक जाना, पहले 10 वाले की बात करो। 1, 2, 3, पूजा कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे? चलो 3 है भाई, 10th वाले, 9 वाले खैर मैं करके बताऊंगा। 4 हो गया 10 वाला, पहले मुझे 9 वाले बताएंगे हाउ कैन यू सॉल्व इट, कैसे किया बताओ, मैं जाना चाहता हूँ वो मैथोलॉजी की जिसकी वजह से तुमने सॉल्व किया, बता भाई विकास कैसे सॉल्व किया? ठीक है अमन बताना कैसे निकाला, 90,000 का 10% मल्टीप्लाई किया, 9,000 आपके हाथ में आ गया। तुमको लगता है इतना सिंपल है, और मैं तुमको समझाने बैठा हूँ यहाँ पे ये चीज़ कैसे ऐसे करते हैं, 10% ऐसे निकालते हैं। अरे अभी तुमने क्या बोला, एक मिनट इधर देखो, अभी तुमने क्या बोला अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? बोर्ड पे फोकस करो सारे लोग, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑलरेडी कम है, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो गद है अगर इसकी वैल्यू ऑलरेडी 10% कम है तो कितनी परसेंट होगी? ये 90% वैल्यू है, दैट इज नॉट 100% वैल्यू। अगर किसी चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, कम है, 10% कम है तो कितनी होगी? 90%। अगर उसकी वैल्यू 20% कम है तो वो कितनी होगी? 80%। जो वैल्यू ऑलरेडी कम है उसकी परसेंटेज भी कम ही होगी ना, तो कैसे निकालते हो इसको? अगर आपको निकालना है इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप निकालोगे कैसे? वैल्यू को ऊपर रखोगे और वैल्यू की परसेंटेज को नीचे रखोगे। ठीक है, तो वैल्यू की परसेंटेज कितनी है? 90। अब कितने परसेंट का आपको वो इंक्रीज करना है? 10% का सीधा निकाल लो तो कितना आएगा? 10,000। समझ में आया? यहाँ पर आप क्या रखोगे? यहाँ पर रखोगे वैल्यू, और यहाँ पर रखोगे वैल्यू की परसेंटेज। ठीक है, सेम केस अलाइड होगा किसके लिए? ओवर वैल्यूड के लिए। अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, ठीक है, और मशीनरी की वैल्यू है 1,20,000, बताओ कितने का इंक्रीज होगा, कितने का डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, बताओ। 30 seconds, इंक्रीज डिक्रीज, और कितना अमाउंट? इंक्रीज डिक्रीज और कितना अमाउंट? 30,000 डिक्रीज होगा। सौरभ इंक्रीज डिक्रीज कितना? 20,000। तरु इंक्रीज डिक्रीज? 20,000। कैसे निकाला? हमें निकालना है डिक्रीज, ये तो आपको पता है। कोई वैल्यू जो ऑलरेडी इंक्रीज है उसे क्या करना है आपको? डिक्रीज निकालनी है। तो कितना डिक्रीज हुआ? आप वैल्यू को ऊपर रखोगे तो वैल्यू कितनी है? 120। परसेंटेज को नीचे रखोगे 120, और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 20 से, तो आएगा कितना? 20,000। क्लियर हो गया? दो पॉइंटर्स क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एक होता है फ्रॉम वाला पार्ट और टू वाला पार्ट, बाय और टू वाला पार्ट। ठीक है, समझो मेरी बात को। मशीनरी इंक्रीज बाय और मशीनरी इंक्रीज टू, इन दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू में फ़र्क क्या होता है देखो, अगर उसने लिखा है स्टेटमेंट में कि मशीनरी इंक्रीज बाय 10,000 और यहाँ पे लिखा है मशीनरी इंक्रीज टू
1 लाख। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो बाय वाले का मतलब बताओ, मशीन इंक्रीज बाय 10,000, इंक्रीज हुई है मशीनरी, इंक्रीज हुई है कितने अमाउंट से? 10,000। तो मतलब सिंपली आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कहाँ पे जाएगा रिवैल्यूएशन के? हाँ मारो थप्पड़ अभी बहुत है, क्रेडिट साइड पे। कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि आपको क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मशीनरी इंक्रीज टू 1 लाख, क्या मतलब हुआ इसका? 1 लाख तक की हो गई है। अब आपको नहीं पता कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे पता लगाओगे? जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी होगी। तो मतलब इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको ऑलरेडी मशीनरी गिवन होगी, जिसकी वैल्यू लेट्स से कितनी है? 90,000। तो अब आप चेक करोगे कि पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 90,000। अब मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज टू कितनी हो गई है? 1 लाख। यानी कितने का डिफरेंस है? 10,000 का। तो टू वाले केस में मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, टू वाले केस में हमेशा क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। अभी तक तो हम बड़े शॉर्ट में चल रहे थे कि हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आता है, आज पता लग रहा है हमको आता ही नहीं है। हमने तो सिर्फ वैसे ही हवे में सीखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो वही काम हम आज कर रहे हैं। ठीक है, कि आज की क्लास के बाद तुम्हें जरूरत ना लगे कि तुम्हें रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो इस बार के सिलेबस में बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि एडमिशन का क्वेश्चन अब उसने लेवल का बचा नहीं कि वो 8 नंबर का पूछा जाए, वो 6 नंबर का ही पूछा जाएगा, या तो मुझे उम्मीद है इस तरीके से। और उसके अलावा तुमसे गुडविल का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, या फिर ऐसा रिवॉल्यूशन का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कोई भी एक पॉइंट डाल के पूछ लिया जाएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। हाँ छोटा सा क्वेश्चन, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट पूछेगा आपके, सिर्फ डेटर वाली एडजस्टमेंट पूछ लेगा वो एक साथ ही, जैसे मैंने पूरा समझाया था ना, वो सारी ऐसे डाल के लेगा, 2 नंबर पर बताओ सॉल्व करके कितना प्रोविजन बन रहा है नया वाला, सिंपल सा आंसर, 1 नंबर के लिए वही पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको कि प्रॉम और टू वाले केस में कैसे करना है? बाय वाले केस में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज, और टू वाले केस में हमेशा क्या लोगे आप? डिफरेंस काउंट करोगे बैलेंस शीट के आइटम से। ठीक है, तो बस रिवॉल्यूशन में हमारा इतना ही था जितना हमने सीखा है। कुछ जर्नल्स भी सीख लेते साथ साथ, काम आएगी जिंदगी में। चलो जर्नल एंट्रीज करेंगे फटाफट से, मैं बोलता जाऊंगा आप बताते जाना। टैली इंक्रीज इन, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इंक्रीज इन एसेट्स। सौरभ बताए एंट्री। अरे वाह सौरभ, शाबाश सौरभ, पढ़ के आया है। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन में क्या लिखोगे? बैंक एसेट इंक्रीज। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बैंक इंक्रीज इन लाइबिलिटी। विकास एंट्री बताओ, विकास दोबारा बोलियो। हाँ एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। किसी को अगर एंट्री में कॉन्फ्लिक्ट रखता है तो अपना पोल रख सकता है कि हाँ एंट्री गलत है। ठीक है, बता देना मुझे पहले। थर्ड इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी। रिंकू एंट्री बताओ, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो वाइस वर्सा वाली एंट्री वो आप समझ सकते हो कि अगर इंक्रीज इन असेट्स हुआ तो डिक्रीज इन असेट्स भी हो सकता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। मैं सारी एंट्री नहीं लिखवा रहा कोई। ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो उसे आप रिवर्स कर सकते हो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दोनों की एंट्री क्या होगी? एक जैसी ही होती है, इसकी जैसी। अगर अनरिकॉर्डेड असेट है बताओ, थर्ड एंट्री बताओ अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो वो भी एंट्री आप पास करोगे, कैसे पास करोगे?
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंस की, अमन बताओ, अमन एंट्री, हाँ फंस गया, क्या बोला तूने, तो इससे बोल सुनाई नहीं दे रहे, हाँ ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस फॉर्म के लिए खर्चा है और वो आइदर वो कैश में पे करेगी या फिर बैंक में पे करेगी, तो आप उसमें बैंक और कैश कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर मुझे बताओ कोई एंट्री छूट गई क्या, गुडविल ऐसे की तरह, गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती बच्चे, कोई एंट्री छूट गई क्या, प्रोविजन यहाँ पर है कहाँ, जनरल रूल बात करो, जनरल कोई एंट्री छूट गई क्या, कोई एंट्री छूट गई क्या बताओ, आखिरी बार फिर पूछूंगा, फिर पिटोगे तो अभी, जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज पास करोगे तो उसमें आपके 99% चांस होगी आप प्रॉफिट वाली एंट्री पास नहीं करने वाले, क्योंकि आपके माइंड में आएगी नहीं वो प्रॉफिट की एंट्री, कि जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे तो आइदर आपका प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। जो जनरल एंट्री हम करना भूल जाते हैं हमेशा, हम उतनी ही करते हैं जितनी वहाँ पे लिखी है, उसने बोला एसेट को इंक्रीज करो हमने कर दिया, उसने बोला लायबिलिटी को डिक्रीज करो हमने कर दिया, उसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट को डिवाइड करो, तो हमने प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया और उसके कटेंगे नंबर, और उसके एक नहीं दो नंबर कटते, क्योंकि एग्जामिनर आपसे वही पूछ रहा है जो आप नहीं बता रहे हो। देखो अच्छा करने पे फल मिले ना मिले, लेकिन बुरा करने पे दर्द जरूर मिलता है, ये रूल है, एक नंबर कट जाता है, वही है ना, कर अच्छा करो तो फल मिले ना मिले ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो तो डंड के आप भाली की रहे होगे हमेशा की बात है, ठीक है। तो जो एंट्री आप हमेशा मिस कर देते हो वो एंट्री कौन सी है, प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है भाई, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां आपने पूरी ट्रांजेक्शन समझ ली है, अकाउंट कैसे बनता है नोट्स भी समझा दिए, एंट्रीज भी समझा दिए, ठीक है। हमारा काम है नोट कर देना सारी चीज़ें, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब बचा जो सेकंड वाला पार्ट जो हमने एडजस्टमेंट वाला सीखा था, वो भी सीख ले 5 मिनट में, बस खत्म कर दे, ठीक है। बहुत साफ लिखा है मैंने आज, ठीक है, पढ़ पा रहे हो तुम, मेरे को तो साफ लग रहा है यार, अच्छा भी नहीं मेरी आईडी विपिन सर बेइज्जती करता हूँ हार में, देख रहा मेरी क्लास में बैठ के मेरी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, टॉपिक कॉल्ड इज कि व्हेन द पार्टनर डिसाइड टू नॉट टू रिकॉर्ड द रिवैल्यू फिगर्स, ठीक है, कि जो भी आपकी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू रिवैल्यूएशन हुई है, तो वो जो नई वाली फिगर्स हैं, पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो नई वाली फिगर्स है उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है 10,000 से, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है 20,000 से, इस फिगर्स को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उस केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि जब पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग नई वाली फिगर्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान रखना वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है कि जो रिवैल्यूएशन वाली फिगर है उसको आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो बुक्स के अंदर, या फिर वो बोले कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, या फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कुछ भी बोले सारे का मतलब क्या है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। तो उस केस में दो चीज़ें होंगी, या तो आप क्या बनाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, ठीक है, दो ही ऑप्शन हैं आपके पास अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है। तो पार्टनर्स के पास टोटल दो ऑप्शन हैं, पहला है उनके पास कि वो क्या प्रिपेयर कर लें, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है। दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री डाल दें, ठीक है। तो दो ऑप्शंस, या तो आप क्या बनाओगे, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, या फिर बनाओगे आप एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी सिंगल एंट्री, ठीक है। अब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, तो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट समझ में आ चुका है, बोर्ड पे देख लो, कोई नहीं अभी रहने दो, मैं इसी सिर्फ उनको कैरी कर रहा हूँ। देखो तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, सिमिलरली पहले तो आप वही बनाओगे जो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रिपेयर करते हो, ठीक है। क्या करना है, यहां पर आपकी एसेट क्या हो रही है, एसेट इंक्रीज बाय सॉरी एसेट डिक्रीज बाय लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटलिंग करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ऑल्सो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, और वो वाला प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। ये तो करोगे कि आप कब, जब आप क्या बनाते हो, रीवैल्यूएशन बनाते हो, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही वाला अकाउंट वापस यहाँ ले आना है। ये जितनी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं इसको इस साइड ले आओ, और ये वाली चीज़ इस तरफ ले आओ, ठीक है। यानी ये दो आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, कैसे, टू लाइबिलिटी डिक्रीज और टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और सिमिलरली यहाँ पे आएगा आपका बाय एसेट डिक्रीज। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, लॉस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट आया, यहाँ पर क्या आएगा, लॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, और इनकम क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो लॉस है, अभी लॉस किस में बटेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में। किस में बटेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में। यही फैक्ट है कि आपका जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, तीनों पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में, ये जो भी इनकी पीएसआर होगी, ओल्ड पीएसआर। लेकिन जब आप इसको चेंज करोगे, वाइस वर्सा करोगे, तो उस केस में ये जो लॉस निकल के आएगा वो किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को। रिमेनिंग पार्टनर्स को, और वो भी कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में, ठीक है। तो दो तीन बातों का ध्यान रखना बस, न्यू रेशियो में। क्लियर हो गई बात कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। जैसे आप रिवॉल्यूशन में आते हो बस वही करना है, और आपको कुछ करना नहीं है, वही चीज़ उठा के यहाँ पटक देना, इसको इधर, इसको इधर। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो लॉस निकल के आएगा वो क्या करोगे, उसको न्यू पार्टनर से बांटना है, यानी रिमेनिंग पार्टनर से बांटना है, और कौन सी रेशियो में बांटना है, न्यू रेशियो में, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह दे कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना ही नहीं है आप, मतलब मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना, तो आप सिंपली से एक स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या करोगे, आप दो कॉलम बना लेना, एक कॉलम बना लेना बस यहाँ पर अमाउंट की, और एक पर्टिकुलर्स की। अगर वर्किंग नोट भी बना दो ठीक से ही बनाना, क्योंकि नंबर मिलते हैं वर्किंग नोट के, आपको पता होनी चाहिए ये बात तो, ठीक है, और कटते भी हैं ये भी पता है आपको। अब कैसे करना है, आपको स्टेटमेंट कैसे बनानी है, सिंपली चेक करना है, एक एक आइटम को देखना है बैलेंस शीट की। जैसे आपको मशीनरी दे रखी है, तो मशीनरी की दो वैल्यू दे रखी होगी आपको, एक दे रखी होगी बुक वैल्यू, और एक दे रखी होगी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो जब आप कंपेरिजन करोगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर आपको प्रॉफिट निकलता है तो क्या करोगे, अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो आप उसे क्या कर दोगे, प्लस करोगे, यहां पर ऐड कर दोगे, ठीक है। माइनस करोगे अगर, हाँ अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ऐसे आप प्लस करोगे लायबिलिटी डिक्रीज, और माइनस कर दोगे एसेट डिक्रीज, ठीक है। ऐसे और भी आइटम्स जो होंगे जो आप ऐसे प्लस माइनस कर सकते हो सिंपली एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। मतलब अगर वो आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को आप प्लस करोगे, नेगेटिव वालों को माइनस करोगे। सारा काम करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, एक नेट इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, नेट इफेक्ट। आइदर ही नेट इफेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा वो आप देख लोगे। अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे छोड़ देना, नेगेटिव होगा तो कैसे दिखाओगे, ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन।
ये उसके बाद स्टेप नंबर टू में आप क्या करोगे बताओ, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, क्योंकि रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो, ये हो गया स्टेप नंबर टू। और स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या पास करना है, जर्नल, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री में आपको पास करनी है जर्नल, और जर्नल आप सबको पता हो है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। जैसे आप गुडविल में पास करते हो तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है भाई। याद रहेगा सबको कि एडजस्टमेंट्स करनी तो एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी, मेमोरेंडम रिवेल्यूशन अकाउंट बनेगा तो ऐसे बनेगा, और नहीं बनेगा तो रिवेल्यूशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करेंगे। Fearless.